डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो दो फंक्शन हैं उनकी प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम प्लस पहला फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये डी थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएशन होनी, मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि वेरिएबल अब थीटा है ना, तो थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएशन डी बाय डी थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करें, इसको बिल्कुल आपने ये पावर फॉर्मूला पावर है ना टेन की, तो पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम इंटू, अब पावर के अंदर एक्स के अलावा कुछ है ना, जब भी पावर के अंदर एक्स के अलावा कुछ होना है तो आपने उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है, ये उसका फर्दर डेरिवेटिव अंदर पावर के अंदर टेन थीटा है ना, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है। अब ये भी पावर की फॉर्म में है, पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम, अब पावर के अंदर एक्स के अलावा जब भी एक्स के अलावा कुछ होना है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड का फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है जी, थ्री माइनस वन टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी थीटा, ये आपने याद करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो डी इसके जगह पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इसका डेरिवेटिव ये ऑलरेडी मौजूद है, प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू टू माइनस वन वन सीकेंड थीटा इंटू, अब सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव ऊपर मैंने आपको बताया था क्या है, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड फोर थीटा प्लस टू वन टू सीकेंड, और ये थ्री टेन और वन टेन फोर टेन टेन फोर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये अपने डेरिवेटिव कैलकुलेटर कर लिया है। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव कैलकुलेटर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेटर करना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कॉस, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर वन बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट एंगल के ऊपर और यहाँ पर सारा है, तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स की पावर वन बाई टू। अब इसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल करना कौन सा, डी बाई डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस ये वाला फार्मूला यूज होना। देखो बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, अब एंगल जो है जब ये हम फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं ये फार्मूला जब एंगल x हो, अब एंगल जो है उसकी पावर होगी अदर देन एक्स हो गया, एक्स के अलावा कुछ भी चाहे टू एक्स हो जाए थ्री एक्स है एक्स स्क्वायर हो जाए एक्स वन बाई टू हो जाए वो अदर देन एक्स हो जाना है, जब भी आपके पास एंगल अदर देन एक्स होना है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव आना है, एंगल का डेरिवेटिव फर्दर आना है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है, इसके ऊपर पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा, पावर नीचे उतरी पावर में से एक कम और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव, अंदर वाले का क्यों फर्दर डेरिवेटिव लिया है अदर देन एक्स, पावर के अंदर पावर फार्मूला ये है ना, जब भी अदर देन एक्स अंदर आ जाना तो उसका जो है वो
मज़ीद डेरिवेटिव ले लेना है चेन रूल की मदद से। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक कम, ये 1/2 माइनस ये। और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस 1/2 साइन स्केयर रूट एक्स, इसको स्केयर रूट एक्स, और ये पावर माइनस हो जानी है तो ये नीचे आके स्केयर रूट एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 ये पावर माइनस है नीचे आ गई पावर तो इसके, और ये कॉज एक्स ऊपर। ठीक है जी, तो ये डेरिवेटिव कैलकुलेटर हो गया है।